अगली खबर में बात करते हैं रीवा जिले के मऊगंज की, जहां नगर के मुख्य मार्ग की सड़क का निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। विधायक प्रदीप पटेल ने कल मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पटेल की देखरेख में सड़क निर्माण कार्य के प्रथम चरण में डिवाइडर निर्माण के लिए लाइनिंग के द्वारा कार्य को कराया, जो कि 6 माह की समय सीमा में पूर्णतः नई सड़क बनकर तैयार होगी। नगर के भीतर अतिक्रमण हटाकर नगर को सुंदर व सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। इसके लिए दोनों ओर अलग से 1-1 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया जाएगा। फुटपाथ के एक तरफ नीचे नाली रहेगी। प्रकाश व्यवस्था के लिए डिवाइडर में दोनों ओर LED लगाई जाएगी। आपको बता दें कि मऊगंज नगर की सड़क में करोड़ों की लागत से डिवाइडर का होना निर्माण, नगरवासियों को जल्द ही डिवाइडर युक्त सड़क की सौगात मिलने जा रही है, जिसके लिए प्रथम चरण में करोड़ों रुपए लागत से बनने वाले डिवाइडर का कार्य शुरू हो रहा है। डिवाइडर के बाद दोनों तरफ की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल विश्राम गृह मऊगंज में नगर परिषद के CMO सहित उपयंत्री व ठेकेदार की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए स्थल का निरीक्षण किए। श्री पटेल अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं कि किसी को नाजायज परेशान ना किया जाए एवं ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित ना हो। तत्काल में जहां पर स्थान खाली है वहां से डिवाइडर का कार्य शुरू किया जाए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में भाजपा विधायक ने कहा कि जनता का इंतजार खत्म होगा। पूरा वहाँ पे बाजार में जहाँ पे हो, बाजार में भी थोड़ा भीड़ बहुत रहेगी। आप तो सेंट्रल लाइन तो डालो, सेंट्रल लाइन आपको पूरे में डालना है। सेंट्रल लाइन डाले, काम वहाँ पे करो जहाँ पे किसी प्रकार की अपन को अगल बगल तोड़ फोड़ नहीं करना, काम वहाँ शुरू कर दो। परसेंट मऊगंज नगर के अंदर ये डिवाइडर सड़क बनने का जो चुनाव के पहले इसका टेंडर हो गया था, भूमि पूजन हो गया था और चुनाव के चलते वो काम रुक गया। आज फिर से ठेकेदार भी यहाँ हैं, मिस्त्री हैं, इंजीनियर भी हैं, तो सेंटर पॉइंट में पूरे में इनको चिन्हित करके दिए जा रहा है और इसके बाद एक जो सेंटर PWD है वो इनको बनाने का ऑर्डर दे देगा। वो बातचीत हो गई है मगर आज इसमें चिन्हांकन मैंने ये काम की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज से ये काम यहाँ शुरू कर रहे हैं। 3 फीट का डिवाइडर पूरे में बन रहा है, जेल के पास से लेकर के वो पूरा नगर होते हुए पेट्रोल पंप के आगे तक। तो आज से ये चिन्ह बनाना शुरू कर रहे हैं। इसी चिन्ह के आधार पर इसमें 155 बिजली के पोल लगेंगे जो दोनों तरफ सड़क पर प्रकाश डालेंगे। तो वो बिजली के पोल का चिन्हित करके नगर पंचायत आज इनको देगी और 2-4 दिन में इनका सब चिन्ह करके इनको दे देंगे। इसके बाद उसी के साथ ठेकेदार काम शुरू कर देंगे। नगर वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बड़े मैंने ये कब तक हो जाएगा सर? इसकी कितने दिन का है? कितने दिन का है इसकी समय सीमा? क्या समय सीमा? कितने? 6 महीने का। 6 महीने का, 6 महीने का है। ठीक है, एक आध महीना प्लस माइनस होगा पर ये 6 महीने हो जाएगा। तो जैसे ही नगर में डिवाइडर पूरा बन जाएगा तो फिर इसके बाद दोनों तरफ की सड़क और नाली वो बनने की प्रक्रिया उसके बाद शुरू हो जाएगी। कितनी जगह मिलती है शहर में, थोड़ा सा कहीं भी थोड़ा दिक्कतें भी हैं तो सब पे हमने बात की है कि बाबा समाज के लोग बैठ कर दें और उसका कोई रास्ता निकाल लेंगे ताकि हमारा नगर का ये सेंट्रल सड़क है ये बहुत भव्य बन जाए, सुंदर बन जाए, उसमें किसी प्रकार का जाम ना लो। तो सबके सहयोग से ये बढ़िया सड़क बनने वाली है। आज से इसका शुभारंभ हो रहा है। तो मैं सबको आपके हमारे जितने भी मीडिया कर्मियों की तरफ से क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो सरकार की तरफ से हमको ये डिवाइडर सड़क का सौगात मिली है, मैं उनका सरकार के माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।